अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अभी जो मैं आपको कबूतर बताने जा रहा हूँ, ये तकरीबन आज से 3-4 साल पुराना कबूतर है। ये काफ़ी अच्छा कबूतर है, इसने हमारे पास काफ़ी बच्चे लगाए और काफ़ी बच्चे उड़ाए भी हैं। ये काफ़ी हमारी बेहतरीन नस्ल है। आपको पहले इसकी नस्ल बता देता हूँ, ये हमारा वेशी पिजन है, वेशी कबूतर है। देख लें इसकी आइज़, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। चोंग देख लें, उसके बाद इसके नाखन देख लें, बहुत अच्छा कबूतर है। जिस चीज़ को हमने बताया उस उसने इसके साथ की तकरीबन 3 से 4 मादियाँ हैं, वो मर गई हैं। ये अकेला उस टाइम का अकेला बच्चा है। ये तकरीबन हमने सबसे पहले एक कमरे में कबूतर रखे थे ना, छोटा सा किचन था, तो मतलब किचन यूज़ नहीं करते होते थे, वो किचन था, तो उसमें हमने सबसे पहले जो कबूतर रखे थे, ये उस किचन में रहने वाले कबूतरों में से एक है। तकरीबन 3-4 ये हो गए, और हाँ इतने साल हो गए, अब मुझे नहीं पता, 4 हो गए 5 इस दौरान, ये 4-5 साल के दौरान ही। अब ये कबूतर माशाल्लाह आप खुद ही देख लें, काफ़ी बेहतर कबूतर है। अभी भी माशाल्लाह ये हमारे से बच्चे, अंडे बच्चे लोग आ रहे हैं। पहले आप इसका शौक कर लो मुकम्मल। और इसकी बात बता दूं कि ये वेशी नस्ल है, वेशी नस्ल दरअसल होती है, ये वेश के कबूतर हैं। वेश एक मुझे लगता है इलाके है, उधर के कबूतर हैं, तो ये वेशी नस्ल के कबूतर है। तो कमेंट्स में लाजमी बताना है ये कबूतर आपको कैसा लगा। अगर ये कबूतर अच्छा लगा हो तो नाइस पिजन लिखना और कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही था, दुआओं में याद रखना।